जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। हमें किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विवाद का अपने आप में विषय है और इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क और बहुत सारे बात हो चुकी हैं। परंतु आज मैं आपको इसके हटके कुछ बताने आई हूँ। हालांकि बाल कब धोने चाहिए कब नहीं धोने चाहिए, इस पर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप एक बार चाहें तो देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि बाल धोने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। आखिर बालों का ऐसा क्या संबंध होता है हमारे ग्रहों के साथ, हमारे शरीर के साथ, जो धोने से नहीं धोने से हमें नकारात्मकता या सकारात्मकता प्राप्त होती है। जो बाल बहुत बहुत सालों तक नहीं धोते, साधु संत बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनकी जटाएं हो जाती हैं, क्या मिल जाता है उनको ऐसा, जो वो अपने बालों को धोते भी नहीं हैं, कंघी भी नहीं करते, सुलझाते भी नहीं हैं। क्या होता है ऐसा जो उन्हें प्राप्त होता है जिसके लिए वो अपने बालों को छूते भी नहीं हैं, तेल भी नहीं लगाते, कोई कंडीशनिंग भी नहीं करते, और क्या होता है ऐसा कि लोग अपने बालों का अत्यधिक ध्यान रखते हैं, क्यों? बहुत सारे बात, बहुत सारे ऐसे विषय और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके भी जहन में चलते रहते हैं और इनका जवाब लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होती रहती हूँ। आज की श्रृंखला में जो भी कुछ बताऊंगी उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज बात कर रही हूँ आपसे सिर धोने से पहले करने वाली एक क्रिया की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सिर के मध्य का जो ये पोर्शन होता है इसे हम शिवजी का स्थान कहते हैं। अधिकतर ब्राह्मण यहाँ पर चोटी रखते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधा आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है और हमारी आत्मा को जो शक्ति मिलती है, जो उसके अंदर ऊर्जा जागृत होती है, वो इसी चक्र से जागृत होती है। इसीलिए इस जगह को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा इसे इम्पॉर्टेंट भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ से आपके पूरे शरीर की ऊर्जा आ सकती है और आपके शरीर के सातों चक्र जागृत कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान गलत तरीके से हो गया तो ये आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों को भी प्रवेश करा सकती हैं और उसकी वजह से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें खराब हो सकती हैं। दशानंद के 10 शीश थे, रावण के 10 शीश थे, लेकिन उसे ज्ञान देने वाला एक भी शीश नहीं था। उसके पास बुद्धि थी, उसके पास एक विषय पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान था, पर सत्य का ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान, ये उसके पास उसके 10 सिर में से किसी में भी नहीं था। उसके 10 शीश के अंदर जो चीज़ें वास कर रही थी वो थी अहम, ईर्ष्या, मैं, और इन्हीं वजहों से उसका पतन हो गया। शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आप ये मान के चलिए आपकी बॉडी का 97% पार्ट केवल और केवल यहीं से ऊर्जा लेता है और यहीं से जागृत होकर कार्य करता है। सिर के इस जगह पर भंवर बनता है, आपने बच्चों के सिर पे देखा होगा भंवर बनते हुए। अगर ये भंवर सीधा बनता है तो पौराणिक चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बोलती है, हमारी दादी नानी ऐसा बोलती थी, सीधा भंवर बन रहा है आप देखना तेरे अगला भाई आएगा, तेरी माँ को अगला लड़का होगा। अगर ये भंवर उल्टा बन जाता था तो कहते थे बहन आएगी। ये तो एक
नॉर्मल बात है जो गांव में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। अगर ये भंवर सीधा बनता है तो ऐसा व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अच्छी और सात्विक चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा पुण्य की तरफ कार्य करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए लगा रहेगा। पर ऐसे व्यक्ति को पानी से भय बहुत रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पानी की वजह से बार बार उसे कोई ना कोई बीमारी जरूर लगती रहेगी। पानी के इर्द गिर्द रहने पर उसका भाग्य भी अवरोध में आ जाएगा। इसके विपरीत अगर ये भंवर उल्टा बनता है तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी पकड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक चीजों के प्रति उसका रुझान ज्यादा रहता है। वो नशे की तरफ ज्यादा जाता है, वो गलत संगति की तरफ ज्यादा जाता है। ऐसे लोग ज्यादातर चोरी चकारी कर अपना जीवन अर्जन करना चाहते हैं। ऐसे लोग गलत कामों को सही मानते हैं और अपना माइंड हमेशा गलत चीजों में ज्यादा लगाते हैं। इसीलिए इस जगह पर शास्त्र अनुसार अगर आप चोटी रख लेते हैं तो आपके जीवन की नकारात्मकता कभी भी आपको छू नहीं पाती। ईश्वर का ज्ञान आपके साथ रहता है, जिसे कुछ लोग मजाक में ये कहते हैं कि ये एंटीना लेकर घूमते हैं। चलो एंटीना ही मान लो, ये वो एंटीना है जो सीधा परमात्मा से कनेक्शन कराता है और वहाँ से वाइब्रेशंस खींचकर आपकी बॉडी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। इसी श्रेणी में मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ। स्त्रियाँ जब भी अपना सिर धोएं, स्त्रियों के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यार। परिवार एकजुट होकर रहे, परिवार के लोग उन्हें हमेशा अच्छा बोलें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए स्त्रियों को सिर धोने से कुछ देर पहले बाल खोल लेने चाहिए और इस जगह पर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप ये कार्य कर लीजिए और उसके बाद आप अपना सिर धोइए। खुद देखिए कितना जीवन के अंदर आपके फ़र्क आने लगता है, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। क्योंकि औरतों को ही बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। औरत एक मिनट में गुस्सा होती है लेकिन दूसरे पल में ये सोचती है अरे घर टूट जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, अरे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर कूल डाउन हो जाती है और रिश्तों को बचाने लग जाती है। उसे कोई कुछ कह दे तो एक मिनट के अंदर तो उसे इतना बुरा लगता है कि रोने लग जाएगी बुरी तरीके से। दूसरे पल सोचेगी चलो रहने दो, अब रो के भी क्या करना है, अपने ही लोग हैं, छोड़ो। ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, जो वो अपने आप को ही पीड़ा देने के लिए लाती है, अपने ही जीवन के लिए अपनी खड्डे खोद लेती है। इन चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको कभी भी अनस्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ना आपकी पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, और ना ही आपकी थॉट्स में। सबसे अच्छी चीज़, आपको गुरु का बल मिलेगा, आपको ज्ञान सही मिलेगा, आप सही तरीके से चीज़ों के डिसीजंस ले पाएंगी, आप सही कार्य करके अपने परिवार को सही अच्छे आचरण दे पाएंगी। क्योंकि एक औरत ही होती है जिससे पूरा घर जुड़ा होता है, वही एक डोर है जो सबको मोतियों में पिरो के रखती है। इसलिए एक छोटा सा कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, करके देखिएगा। पुरुष जब कभी भी अपना सिर धोएं, वैसे तो रोज ही लगभग धोते हैं, लेकिन किसी किसी दिन होता है ना कि वो बहुत अच्छे से शैम्पू कंडीशनर करके अपना सिर धोते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको अपने इस जगह पर 5 मिनट अपने अंगूठे से प्रेस करके ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा लाइफ के अंदर सक्सेस बहुत आसानी से प्राप्त होती है, आपकी वेटेज बनती है, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होती हैं। छोटा सा कार्य है, ज़रूर करिए और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए
मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा अपने साथी के साथ, यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।